गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी 10th पास किए हैं, एवं साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्या कि मैथ का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और अभी जो है फिलहाल मतलब 2020 में या फिर आप लोग का 2021 में 11th का किस प्रकार से सवाल आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं देखिए बच्चों, आप ध्यान देंगे, देखिए अभी 11th क्लास में जो आपका है, 11th क्लास में अभी जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, दो एग्जाम दो टाइप का होता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। नहीं, सब्जेक्टिव में क्या है कि आपके पास सवाल दिया रहा है और उसका क्या करना है आपको, एंसर शीट पे एंसर बनाना है। नहीं, जैसा आप 10th क्लास में लिखे थे, वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, लेकिन यहाँ 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव होता है मैथ का। ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, आपके पास कोई सवाल दिया रहेगा और उस सवाल का जवाब ऑप्शन में रहेंगे, मतलब ए बी सी डी ऐसा ऑप्शन करके दिया रहेगा। अब जो हम लोग सवाल दिया रहेगा उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सवाल में जो आपका फैक्ट आंसर आएगा, जो सही आंसर आएगा, जेन्युइन आंसर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। सपोज कि मैंने सवाल को बनाया, आंसर मेरा ए आ गया, तो हम लोग ए को क्या करेंगे, टिक करेंगे, डार्क करेंगे। इस टाइप का एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है सवाल दिया रहेगा और आपके पास ऑप्शंस चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी टेंथ का भी, सॉरी अभी इंटर में मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इसी टाइप से एग्जाम पूछा जाएगा, जिसमें से इसमें से भी पहले जो हम लोग को था, पहले जो 11th में था वो फुल मार्क्स हम लोग का जो था वो 100 मार्क्स का था, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का था। और अभी जो है, अभी आपका फुल मार्क्स 50 में कर दिया है, और 50 मार्क्स में भी आपको दो टाइप से है, 50 मार्क्स में भी आपके पास दो टाइप से। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 40 मार्क्स जो आपका होगा, 40 नंबर का जो आपका होगा वो 40 नंबर, 50 नंबर में से 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा जो कि आपका जेक लेगी, और इसमें से जो 10 नंबर बचेगा, इसमें भी 10 नंबर में 10 नंबर जो है ये आपके कॉलेज पे है, जिसमें से 5 नंबर जो आपका आएगा ये 10 नंबर में, टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का ही आंसर देना है एंसर शीट में, जो आपको एग्जाम देना है, एग्जाम जो आपको क्वेश्चन मिलेगा जेक के थ्रू से वो 40 मार्क्स का मिलेगा, मात्र 40 क्वेश्चन मिलेंगे, एक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और ये 10 नंबर बच गया, इस 10 नंबर में दो भाग है, एक 5 नंबर आपका कॉलेज की उपस्थिति पे, कॉलेज में आपका कैसा करेक्टर है उसके आधार पे, और दूसरा आपका 5 नंबर है वो आपका इंटरनल एग्जाम होगा, क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, जो कि कौन से कौन एग्जाम, ये एग्जाम इंटरनल एग्जाम कौन कंडक्ट करेगी, कॉलेज में 5 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, और ये 5 नंबर आपकी उपस्थिति, आपकी कैरेक्टर, आपका आचरण पे ये 5 नंबर दिखाएगा। कहने का मतलब है ये 10 नंबर आपका पूरे कॉलेज पे रहेंगे, टोटल 40 और ये 10 मिला करके 50 मार्क्स का अभी आपका 10th सॉरी इंटर में पूछा जाता है, ठीक है ना, पूछने का ये तरीका है। नहीं तो देखिए, ध्यान देंगे हम लोग, अब इसमें पढ़ना क्या क्या होता है आप तो समझ गए कि कैसे सवाल आता है। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, देखेंगे यूनिट वाइज पढ़ना है आपका सिलेबस, देखेंगे यूनिट फर्स्ट में पहला पढ़ना है सेट्स एंड फंक्शंस, सेट और फंक्शन में पहला पढ़ना है सेट्स। आपके पास दूसरा आपका टॉपिक आ जाएगा, दूसरा आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड नंबर में आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट में सेट्स एंड फंक्शंस में ये तीन टॉपिक पढ़ना है, सेट्स, पहला में सेट्स, दूसरा में रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट टू आपका अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है आपके पास, वो आप पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ना हम लोगों को, अलजेब्रा में पहला टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, यूनिट टू का मैं बात कर रहा हूं, यूनिट टू में मतलब अलजेब्रा में दूसरा टॉपिक आपका आएगा, यूनिट टू में चल रहा है, यूनिट टू का अलजेब्रा का पार्ट टॉपिक हो गया और यूनिट टू का ये पार्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आपका आएगा लीनियर इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटीज। थर्ड नंबर में जो आपका आएगा, थर्ड टॉपिक है अलजेब्रा का पहला, दूसरा ये तीसरा में आपका आएगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। फोर्थ में आपके पास आएगा बायनोमियल थ्योरम। फिफ्थ में आएगा मैथमेटिकल इंडक्शन। सिक्स नंबर में आएगा सीक्वेंस और सीरीज, जिसमें आपका एपी और जीपी आएगा। नहीं, एपी और जीपी पढ़ते हैं। यूनिट हम लोग अब बात करेंगे, ये आपका अलजेब्रा का टॉपिक था, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड में हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से पहला टॉपिक आपका आएगा स्ट्रेट लाइंस। तीसरा आपका आएगा कॉनिक सेक्शन। थर्ड नंबर में आएगा, जब लोग पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी के तो समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर में आएगा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है हम लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा कॉनिक सेक्शन, तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशन। यहां पे डायमेंशंस, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल पढ़ना। अब हम लोग देखेंगे यूनिट फोर्थ में आपका आएगा कैलकुलस में पहला जो आपका आएगा एलयूएस है, पहला आपका आएगा Limit and Derivatives
डेरिवेटिव, ठीक है, ये एक ही नंबर है इसमें, लिमिट है, डेरिवेटिव है। यूनिट यूनिट फाइव में पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिकल 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 रीजनिंग, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिकल रीजनिंग, आर ई एस ओ आई एस ओ एन आई एन जी, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका यूनिट फाइव था। यूनिट सिक्स लास्ट यूनिट है आपके पास, यूनिट सिक्स, यूनिट सिक्स में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक माने इसमें आपको यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है हम लोगों को यूनिट सिक्स में। और आप लोग को ये आपका हो गया सिलेबस, इलेवेंथ क्लास का इतना ही पढ़ना है, यही सारे टॉपिक्स है। एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का आपका कॉलेज पे डिपेंड पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका था मैथ का सिलेबस क्लास 11 का, ठीक है।